RTH न्यूज, अब सब पर है नजर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजित मिश्रा, आप देख रहे हैं RTH न्यूज 11। अब हम शुरुआत करते हैं खबरें से। डोभी गया पटना राष्ट्रीय राजमार्ग NH 83 का निर्माण शुरू होने की उम्मीद जगी है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। जी हाँ, वर्ष 2014 में डोभी गया पटना के फोरलेन सड़क निर्माण के लिए निविदा के बाद वर्ष 2015 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, जिसका जिम्मा IL एंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिया गया था। पिछले साल तक इसे पूरा कर लेना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण के कारण काम निर्माण शुरू होते ही काम पर ब्रेक लग गया था। लेकिन एक बार फिर पुनः हाईकोर्ट के आदेशानुसार फिर से डोभी गया पटना राष्ट्रीय राजमार्ग NH 83 का निर्माण शुरू होने की उम्मीद जगी है। डोभी पटना रोड NH 83 को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी में डोभी के CO राजेश कुमार सिन्हा को मजिस्ट्रेट का प्रभार दिया गया है, जो अपने दल बल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ अधिकारी के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी राजीव कुमार और सौरभ मिश्रा ने बताया कि डोभी से पटना तक का रोड पास हुआ है। डोभी के करमौनी में सिर्फ अतिक्रमण ही नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि दुमुहान से डोभी तक जितने रोड के किनारे हैं उन सभी को हटाया जा रहा है। उन लोगों को मुआवजा भी दिया गया है, पहले सूचना प्रशासन द्वारा भी दिया गया था। अभी हमारे साथ बने हुए हैं प्रभारी संपादक मदन मोहन मिश्र जी, देखिए इनकी खास रिपोर्ट। जो करमौनी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, किस मद में हटाया जा रहा है सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप करमौनी में केवल अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, इन अतिक्रमण कार्यों को भी कुछ ना कुछ पैसा मिला है, क्योंकि ये जायका का फंड है, रोड बनाने में जायका भी फंड दिया हुआ है, इसलिए अतिक्रमण कार्यों जैसे गुमटी वाले को पैसा मिला है, जो छोटे छोटे रेडी वाले हैं उनको भी पैसा दिया गया है, और वो पैसा उनको 3 साल पहले ही दिया जा चुका है, और 2 बार इनको हटाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन अब रोड हाईकोर्ट के आदेश से रोड फाइनल होने की स्थिति में है, इसलिए इनको अब फिर से हटाया जा रहा है। धन्यवाद। और एक आप भाई, आप क्या फलाना बताना चाहेंगे इसके बारे में? आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अभी हाईकोर्ट के आदेश से गया से डोभी से पटना तक में ये सारा रोड के किनारे जो भी सरकारी जमीन है और जो भी स्ट्रक्चर है सबको डिमोलिश करने का काम चल रहा है। RTH न्यूज, अब सब पर है।